Ahead of assembly polls in the state of Telangana, Union Minister G. Kishan Reddy has visited the Sri Bhagyalakshmi temple to seek blessings. चारमेर के पास भाग्यलक्ष्मी मंदिर में भाग्यलक्ष्मी माँ का दर्शन किया हूँ, पूजा भी किया हूँ, भाग्यलक्ष्मी माँ का जी आशीर्वाद भी लिया हूँ। मैं यही प्रार्थना किया हूँ, माँ का आशीर्वाद से जो उत्तरांचल में जो 41 लोग टनल में फंस गए थे, 17 दिन के बाद 17 दिन के बाद वो लोग सेफली बाहर आए हैं और सभी लोग हेल्थी से बाहर आया, विश्वास के साथ थे। इसके कारण माता जी का आशीर्वाद था और उनको सबको मैं अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। जो एजेंसीज, जो कर्मचारी, जो ऑफिसर्स उनको बाहर लाने के लिए 17 दिन से लगातार दिन रात काम किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कंटिन्यूस मॉनिटरिंग के कारण ये मिशन सफल हो गया, सभी लोग सेफली बाहर आया। मैं इसके लिए भी माता जी को पूजा करने के लिए आया हूँ। और तेलंगाना में कल चुनाव होने वाला है, जो 5 राज्यों का चुनाव में 4 रोजों का पहला ही हो गया, ये तेलंगाना का आखिरी चुनाव है। इस चुनाव में मैं तेलंगाना जनता से ये अनुरोध करता हूँ, सभी लोग अपना अधिकार है मत, आपका वोट सभी लोगों उसका उपयोग करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अपने को बड़ा अधिकार, ये वोट देने का अधिकार दिया है, इसको यूज़ करना अपना फर्ज बनता है, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। एक अच्छा सरकार आना चाहिए, एक अच्छा नेतृत्व आना चाहिए, इसके लिए मतदान करना हर वोटर का जिम्मेदारी बनता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.